तो एक बार भगवान को स्तनपान करा रही थी, उसी समय जब भगवान का पेट भर गया तो भगवान बकासी लेते हैं, अपना मुंह फाड़ते हैं मानो नींद आ रही हो। तो जैसे ही भगवान अपना मुख खोलते हैं, यशोदा मैया देखती है तो क्या देखती है कि भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को हो जाता है। तो दो बार यशोदा मैया को भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। एक बार तो भगवान जब स्तनपान की लीला करते हैं तब दर्शन होता है, और एक बार जब भगवान मिट्टी खाते हैं और मित्रगण शिकायत करते हैं, उल्हाना देते हैं कि देखो मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तब जब मैया कहती है कि अपना मुंह खोल कर दिखाओ, तब भी दर्शन होता है। तो क्या दिखता है? तो कहा सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। और इस ब्रह्मांड में क्या क्या है? तो यशोदा मैया को दिखता है 14 भुवन है, भौतिक लोक है, आध्यात्मिक लोक है। अब कैसी संरचना है भगवान की सृष्टि में? तो कहा भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें 3/4 भाग यह आध्यात्मिक लोकों का है। आध्यात्मिक लोक अर्थात वैकुंठ आदि लोक, एक वैकुंठ नहीं है, करोड़ों वैकुंठ हैं, उनका दर्शन हुआ। फिर उसमें सबसे मध्य में सुंदरतम लोक गोलोक वृंदावन का दर्शन हुआ। और 1/4 जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें भी एक ब्रह्मांड केवल हमारा नहीं है, लेकिन 1/4 भौतिक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा हैं और शिव हैं, विष्णु हैं, इस प्रकार से दर्शन होता है। और मैया को क्या दिखता है? तो कहा मैया ने देखा कि उन संपूर्ण ब्रह्मांडों में 14 भुवनों में तीनों लोकों में वैकुंठ आदि लोकों में भगवान ने देखा कि मैया ने देखा कि इन सबके मध्य में भौतिक ब्रह्मांड में जो छोटी सी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में मैया ने देखा कि भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष में देखा कि ब्रजमंडल है, ब्रज वृंदावन है। उस ब्रजमंडल में मैया ने गोकुल को देखा, और उस गोकुल में देखा कि नंद महल है, और उस नंद महल में यशोदा मैया अपने बालक के मुंह में ब्रह्मांड देख रही है, यह मैया को मुख में ही दिखा। और ऐसे करके कई चक्कर मैया को मुख में ही दिख गए। अब तो यशोदा मैया बेहोश हो गई। इतना जब ऐसी विचित्र संरचना मैया ने देखी, मैया बेहोश होकर गिर पड़ी। भगवान ने सोचा अरे यह क्या हो गया, मैंने तो अपनी भगवत्ता दिखा दी। वैसे ब्रज में वृंदावन में भगवान अपने ऐश्वर्य को छुपा कर रखते हैं, और यदि ऐश्वर्य दिखता भी है तो भी यशोदा मैया नंद बाबा का प्रेम और वात्सल्य इतना है कि वे भगवान को भगवान कभी समझ ही नहीं पाते। मैया जैसे ही चेतना में आई तो कहा अरे मेरे लाला को क्या हो गया, इसके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। ये नहीं सोचा कि भगवान है या कोई दिव्य शक्ति है, उन्हें चिंता हो गई। तब भगवान ने अपनी शक्ति से मैया को सब भुला दिया, और मैया प्रेम से कन्हैया को सुलाने लगती है।